हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न बायोलॉजी में। डियर फ्रेंड्स, आज हम नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो अब तक एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जो या फिर टीजीटी का एग्ज़ाम रहा हो या पीजीटी का। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से हमें क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, एक चैप्टर का ओवरव्यू भी मिल जाएगा। तो आज सारे ही क्वेश्चन जो केवल मैंने नर्वस टिश्यू को ही अभी उठाया है, और हम उसी के ही क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो अब तक डिफरेंट डिफरेंट ईयर्स में पूछे गए हैं, टीजीटी एग्ज़ाम या पीजीटी एग्ज़ाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और जो भी बायोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हों टीजीटी पीजीटी की। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरांगों की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला तंत्र है, मतलब सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ इंटरनल ऑर्गन इज। ऑप्शन है सेरिब्रो स्पाइनल, पैरासिम्पथेटिक, ऑटोनॉमिक और पेरिफेरल। सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑटोनॉमिक, ऑप्शन सी इज ऑटोनॉमिक। मैं इस क्वेश्चन का मतलब बता दूं, जो सिस्टम कंट्रोलिंग द इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब जो अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है वो सिस्टम, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो एक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है। चलिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, नर्वस सिस्टम मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, वो टू पार्ट्स में उनको डिवाइड किया गया है, CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम और PNS मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। CNS में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब CNS कहाँ होता है? ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड। फिर जो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम है उसे फर्दर डिवाइड किया गया है थ्री कैटेगरीज में, सोमैटिक, नेक्स्ट इंट्रिक एंड लास्ट ऑटोनॉमिक। ये याद रखिएगा, इंट्रिक और ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री फंक्शन मतलब अनैच्छिक क्रियाओं से संबंधित हैं, और सोमैटिक वॉलेंट्री एक्शन से। नेक्स्ट एक चीज़ और, यहाँ पे जो PNS है, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, ये स्पाइनल, इसके जो बंच हैं नर्व्स के बंच, वो स्पाइनल कॉर्ड से लेकर के बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक जाते हैं, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। फिर फर्दर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक मिनट, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मैं इसी के ऊपर लिख देती हूँ। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को टू पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहला है सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो इमरजेंसी में एक्टिव होता है, सपोज दैट आप दौड़ के आ रहे हैं तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है, और ऐसी स्थिति में आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, मतलब कि हार्ट बीट को बढ़ाने का काम किसका है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का है। फिर पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिव होता है? जब बॉडी रिलैक्स है, ऑर्गेनिज्म बिल्कुल रिलैक्स कंडीशन में है, उस टाइम पे पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा होता है। इसका मतलब पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट जो है, हार्ट बीट को कम करता है, डिक्रीज करता है, या फिर आप हार्ट रेट भी कह सकते हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट हैं, इनको जरूर याद रखिएगा। एक चीज़ और, जो इंट्रिक है, इंट्रिक नर्वस सिस्टम, ये गैस्ट्रो कंट्रोल करता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को। इंट्रिक ये गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम को कंट्रोल करता है। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, ऑटोनॉमिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इन मैमल्स कंट्रोल द मस्कुलर कोऑर्डिनेशन? स्तनधारियों के मस्तिष्क का कौन सा भाग पेशीय समन्वय को नियंत्रित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सेरिबेलम। सेरिबेलम पेशीय समन्वय मतलब मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्कोहल का पीना प्रभावित करता है, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल अफेक्ट्स। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन बी, सेरिबेलम। मतलब सेरिबेलम मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी कंट्रोल करता है और अल्कोहल पीने का जो प्रभावित होता है, ड्रिंकिंग ऑफ अल्कोहल से जो प्रभावित होता है वो सेरिबेलम है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। आप इन क्वेश्चंस के नीचे देख पा रहे होंगे यहाँ ईयर भी लिखा हुआ है, ये टीजीटी बायोलॉजी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस के लेवल क्या रहे हैं अब तक जो भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है कॉर्निया, बी कॉन्जक्टिवा मतलब नेत्र श्लेष्मा में, सी रेटिना एंड डी लेंस। सो राइट आंसर जो इसका है वो ऑप्शन सी रेटिना। रेटिना, एक मिनट, रेटिना में बाइपोलर न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। बाइपोलर न्यूरॉन्स का मतलब है इसमें एक एक्सॉन और एक डेंड्रॉन है, मतलब इसमें दो पोल होते हैं, एक तरफ एक्सॉन होता है एक तरफ डेंड्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य में कौन सी कपालीय तंत्रिका संवेदी तथा चालक दोनों होती हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व्स इन मैन इज बोथ सेंसरी एंड मोटर? पहली चीज, मानव में, ह्यूमंस में, मेंस में 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स, जब क्रेनियल नर्व की बात की जाएगी, पेयर की बात नहीं, तो आप याद रखिएगा 24 क्रेनियल नर्व्स, और जब पेयर होगा तो इसका हाफ हो जाएगा 12, पेयर मतलब 12 जोड़े। तो जो इसका उसके बाद फिर इनको क्रेनियल नर्व्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। क्रेनियल नर्व्स को पहला जो है वो सेंसरी क्रेनियल नर्व, मोटर क्रेनियल नर्व और मिक्स्ड। सेंसरी मतलब संवेदी, मोटर मतलब चालक और मिक्स्ड मतलब मिश्रित क्रेनियल नर्व। यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा गया है, इनमें से कौन सी क्रेनियल नर्व है जो कि सेंसरी और मोटर दोनों है? मिक्स्ड का मतलब यही होता है कि सेंसरी और मोटर दोनों है। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं वो ऑप्शन ए है ऑप्टिक, बी ऑल्फैक्ट्री, सी ट्राइजेमिनल एंड डी ऑडिटरी। तो जो ऑप्शन सी है वो राइट है, मतलब ट्राइजेमिनल मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है, मतलब सेंसरी और मोटर दोनों है। इसके अलावा एक चीज़ याद रखिएगा कि क्रेनियल नर्व हैं 4 मिक्स्ड होती हैं, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व होती हैं, जिसमें से ट्राइजेमिनल, शॉर्ट में लिख रही हूँ फेशियल, ग्लासोफेरिंगियल एंड वेगस। ट्राइजेमिनल 5th क्रेनियल नर्व है, फेशियल 7th क्रेनियल नर्व है, ग्लासोफेरिंगियल 9th क्रेनियल नर्व है और वेगस बहुत इंपॉर्टेंट 10th क्रेनियल नर्व है। सो ये 4 मिक्स क्रेनियल नर्व होती हैं। इसके अलावा 5 मोटर नर्व होती हैं, मोटर कितनी होती हैं? 5 होती हैं, और सेंसरी 3 होती हैं। सेंसरी तीन कौन सी हैं? ऑल्फैक्ट्री, ऑप्टिक एंड ऑडिट्री।
ये ऑल्फैक्टरी जो है फर्स्ट क्रैनियल नर्व है। हमेशा क्रैनियल नर्व को रोमन गिनती में ही काउंटिंग में ही शो किया जाता है। ऑप्टिक जो है वो सेकंड क्रैनियल नर्व है और जो ऑडिटरी है ये एट्थ क्रैनियल नर्व है। ये तीनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उसके बाद की जो बची हुई हैं पांच वो मोटर क्रैनियल नर्व होती हैं जिसमें ऑक्यूलो मोटर, ट्रोक्लियर, एबडूसेंट्स, एसेसरी एंड हाइपोग्लॉसी। ये फाइव मोटर नर्व्स होती हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आगे आते रहेंगे इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट, स्तनियों में कपाली तंत्रिकाओं के कितने जोड़े शुद्ध होते हैं, मतलब हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रैनियल नर्व इन मैमल्स आर प्योरली सेंसरी। एग्जाम में क्वेश्चंस के दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस को जरूर पढ़िएगा क्योंकि कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पाता है और उसकी वजह से हम क्वेश्चन को गलत टिक आउट कर देते हैं उसके आंसर को। तो इंग्लिश में क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है। तो इन्होंने पूछा है कि जो कितनी क्रैनियल नर्व होती हैं जो प्योरली सेंसरी हैं, मतलब शुद्ध संवेदी हैं। मैंने अभी बताया केवल जो शुद्ध मतलब कि प्योर सेंसरी नर्व होती हैं वो थ्री हैं, थ्री क्रैनियल नर्व्स। ऑप्शन इज सी, थ्री इज राइट आंसर। तीन जो हैं वो प्योरली सेंसरी मतलब शुद्ध संवेदी क्रैनियल नर्व्स हैं जो कि हैं ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक और ऑडिटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्योरली मोटर नर्व, कौन निम्न से कौन विशुद्ध प्रेरक तंत्रिका है। ऑप्शन ए है वेगस, सी ऑडुसेंस, बी फेशियल एंड डी ट्राइजेमिनल। मोटर नर्व की बात की गई है, ट्राइजेमिनल मैंने अभी बताया था ये मिक्स्ड क्रैनियल नर्व है, ये भी मिक्स्ड क्रैनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल, फेशियल और वेगस ये तीनों ही मिक्स्ड हैं। अब बची एक ऑडुसेंस, तो ये क्या है प्योरली मोटर नर्व, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्राइजेमिनल नर्व ऑफ वर्टिब्रेट इज द, ट्राइजेमिनल नर्व जो वर्टिब्रेट में है वो किस नंबर की है। तो ये फिफ्थ क्रैनियल नर्व है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, फिफ्थ क्रैनियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक में कपाली तंत्रिकाओं की संख्या होती है, तो राइट आंसर इसका है ऑप्शन सी 20 क्रैनियल नर्व्स होती हैं मेंढक में, और जब पेयर की बात होगी तो 10 पेयर ऑफ, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 20। नेक्स्ट, मेंढक में द्वितीय कपाली तंत्रिका है सेकेंडरी, इन्होंने सेकंड क्रैनियल नर्व की बात की है। तो याद रखिएगा जो मेंढक में सेकंड क्रैनियल नर्व होती है वो जो मेंस में वुमेंस में भी जो सेकंड होती है मतलब ऑप्टिक, मेंढक में फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, सेकंड ऑप्टिक और एर्थ ऑडिटरी, ये तीनों एज इट इज सेम ही होती हैं, बस तीन ही याद रखिए, इतना सफिशियंट है मेंढक के लिए, फ्रॉग के लिए। द सेकंड क्रैनियल नर्व ऑफ फ्रॉग इज, तो सेकंड कौन सी होगी ऑप्टिक, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी ऑप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंढक में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रैनियल नर्व्स इन फ्रॉग इज, मैंने अभी बताया 10 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स, मतलब केवल जब क्रैनियल नर्व की बात की जाएगी तो 20 हैं और जब पेयर की बात की जाएगी तो 10 पेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन इज गवर्न्ड बाय, रिफ्लेक्स एक्शन किसके द्वारा गवर्न किए जाते हैं या नियंत्रित किए जाते हैं। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो CNS मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा गवर्न किया जाता है, राइट आंसर इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट, एक्सॉन तथा डेंड्राइट किस संधि कहलाती है, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं जब हमने नर्वस टिश्यू पढ़ा था, उसमें अच्छे से मैंने न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाकर के जरूर देखिए वो वीडियो। तो राइट आंसर जो इसका है, एक्सॉन और डेंड्राइट की संधि को क्या कहते हैं, मतलब जंक्शन ऑफ एन एक्सॉन एंड डेंड्राइट इज कॉल्ड साइनैप्स, तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी साइनैप्स।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज इंसर्ट इफ मेमोरी ऑफ मैन वीकेंस, अगर किसी मनुष्य की याददाश्त कमजोर हो जाती है तो कुछ कौन सा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है उसके ब्रेन का। तो जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी सेरिब्रम। सेरिब्रम ये कई तरह के कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे सोचना, मेमोरी और मतलब कि चिंता करना, कॉन्शियसनेस, तो ये सब सेरिब्रम के द्वारा कंट्रोल होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी। द हार्ट बीट इज रेगुलेटेड बाय पेसमेकर, सिंपैथेटिक नर्व, वेगस नर्व, ऑल ऑफ दीज। तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। वेगस नर्व, पेसमेकर, सिंपैथेटिक नर्व, ये तीनों ही हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी वेगस नर्व। 10th क्रेनियल नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रेनियल नर्व पार्टिसिपेट इन द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट, ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर, हाइपोग्लोजल और वेगस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी वेगस नर्व, जो हार्ट बीट को का रेगुलेशन करती हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेगस नर्व कौन सी हैं? अभी मैंने बताया 10th क्रेनियल नर्व है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 10th क्रेनियल नर्व। ये सभी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं लगातार एग्जाम में आए हुए हैं, TGT का एग्जाम रहा हो या PGT का एग्जाम रहा हो। नेक्स्ट, नेत्रों में अंध बिंदु ऐसा इसलिए कहलाता है क्योंकि द आई इन द आई ब्लाइंड स्पॉट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज इनसेंसिटिव टू लाइट, इट इज ए स्पॉट एट विच द ऑप्टिक नर्व लीव्स द रेटिना, नो इमेज फॉर्म ऑन इट एंड ऑल द अबव। सो ये सभी क्रियाएं होती हैं, तो राइट आंसर है ऑल द अबव। नेक्स्ट, इन वर्टिब्रेट्स आईज आर ब्लाइंड स्पॉट्स, देयर आर नाइदर रॉड नोर कॉन्स, देयर आर नो कॉन्स, देयर आर नो रोड्स, रोड्स एंड कॉन्स बोथ आर प्रेजेंट। सो जो इसका राइट आंसर है, जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उसमें ब्लाइंड स्पॉट पे कोई भी रॉड्स और कॉन्स प्रेजेंट नहीं होते, मतलब शंकु और शलाका दोनों ही नहीं होते हैं। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नाइदर रॉड्स नोर कॉन्स। तो ये थे कुछ 19 क्वेश्चंस, अभी इसका कुछ क्वेश्चंस और बाकी हैं, वो भी आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने व्यूज़ क्वेश्चंस को लेकर के ज़रूर लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।